अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत पीकर कोई घर से निकलता है, आपके बच्चों को रोज चरणामृत पिलाकर स्कूल भेजा करो। चरणामृत जो रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चित। अकाल मृत्यु हरणम चरणामृत की महिमा है कि भगवान को नहलाने के बाद जो पानी जल बचा है उसे आप चरणामृत मानकर पिएंगे। चरणामृत पीने से आप कभी किसी की अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि, जो आपको व्याधि आदि व्याधि है, शारीरिक रोग है, चरणामृत का पान करने मात्र से बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि का विनाश हो जाता है। और विष्णुम पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान का चरणामृत पीता है उसका फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसकी सदगति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। केवल चरणामृत की महिमा है ये। केवट ने भगवान राम के चरण धोकर अपने पितरों को पार लगाया था कि नहीं? केवल चरणामृत की महिमा है ये। तो आप रोज अपने ठाकुर जी को स्नान कराओ और उनका चरणामृत बच्चों को पिलाओ, अपने सिर पे चरणामृत के छींटे मारो, बच्चों के सिर पे, अपने घर के सारे, जहां आपके घर में लक्ष्मी धन धान्य अन्नपूर्णा होती है वहां भी उस चरणामृत का छींटा सिंचन कीजिए, आपका घर शुद्ध बना रहेगा, आपके घर में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा।